हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पोएम ऑफ क्लास 12th। द पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अश्लम, कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। तो आज हम क्लास 12th की सेकंड पोएम का सेंट्रल आइडिया कवर करने वाले हैं। इसका डिटेल स्टडी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। द सेंट्रल आइडिया of the poem An Elementary School Classroom in a Slum is the plight of poor children living in slum। poet कहता है कि इस poem का जो central idea है वो is the plight of poor children living in slum, slum में रहने वाले, गंदी बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों के दुख के बारे में है। In this poem the poet expresses his deep concern for the children who spend all their life in slum। कहता है कि इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट एक्सप्रेसेस, पोएट व्यक्त करता है हिज डीप कंसर्न, अपनी गहरी चिंता फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए हु स्पेंड ऑल देयर लाइफ इन स्लम्स, जिसने अपना सारा जीवन गंदी बस्तियों में व्यतीत किया। तो इस पोएम में पोएट गंदी बस्तियों में अपना जीवन व्यतीत करने वाले उन गरीब बच्चों के प्रति अपनी चिंता या वेदना को व्यक्त करता है। ही वॉन्ट्स द लाइफ ऑफ स्लम चिल्ड्रन बी चेंज्ड। वह चाहता है कि इन गंदी बस्तियों वाले बच्चों की जो लाइफ है वो चेंज होनी चाहिए। ही सीज अ स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। वह गंदी बस्ती में एक क्लासरूम को देखता है वेयर चिल्ड्रन आर सिटिंग विद देयर हेड डाउन, जहाँ बच्चे अपना हेड डाउन किए हुए बैठे हुए हैं। देयर अनकॉम्ब्ड हेयर इज फॉलिंग ऑन देयर पेल फेसेस, उनके जो बिना खिंचे हुए बाल हैं, बिना कंघी किए हुए बाल हैं, उनके पीले चेहरे पर फैले हुए हैं। ही वॉन्ट्स दैट देयर पॉवर्टी शुड बी रिमूव्ड। वह चाहता है कि उनकी गरीबी दूर की जाए। ही विशेस देम टू लिव इन हाइजेनिक हेल्दी एंड ब्यूटीफुल एनवायरमेंट एंड देयर फ्यूचर टू बी ब्राइट। वह चाहता है कि उनका एनवायरमेंट उज्ज्वल, एनवायरमेंट सुंदर हो, स्वस्थ वातावरण हो और उनका भविष्य उज्ज्वल बने। सो ही अपील्स टू द गवर्नर्स, कहते हैं कि इसलिए ही अपील्स टू द गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड विजिटर्स टू टेक हीड टू सच schools and take these children out of slums and show them the real world of progress and education। इसलिए वो अपील करता है कि इन गंदी बस्तियों के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल किया जाए। जो भी गवर्नर्स और जो भी वहाँ पर भ्रमण करने आए वो इनको देखें और इन बच्चों को वास्तविक संसार की उन्नति, एजुकेशन वाले संसार के बारे में बताएं। तो इस तरह से ये पोएम स्लम में रहने वाले उन बच्चों के लिए हैं जिनकी कोई शिक्षा नहीं हो पा रही है सही से, जिन्होंने बाहर का संसार नहीं देखा है, इसके लिए पोएट अपील करता है। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।